आज मैं पेल वर्ल्ड में पूरे 10 दिन सरवाइव करने वाला हूँ और इन 10 दिनों में मैं ऐसे ऐसे पोकेमोन्स को पकड़ने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज है मेरा पहला दिन। मुझे यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन बॉल्स बनाने पड़ेंगे जिससे मुझे पोकेमोन्स को पकड़ना होगा। तो यहाँ पर मुझे पेल्डियम फ्रेगमेंट्स की कमी हो रही थी तो मैं यहाँ पे फटाक से आके इसे तोड़ना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेल्डियम फ्रेगमेंट इकट्ठा करने के बाद मैं चला गया पोकेमोन बॉल्स बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पोकेबॉल बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पोकेबॉल पहले से ही था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारा एरोज बनाना शुरू कर दिया क्योंकि भाई एरोज नहीं होगा तो मैं पोकेमोन्स को पकड़ ही नहीं पाऊंगा, बड़े बड़े पोकेमोन्स को। मैंने एरोज बनाने का काम पेंगुइन के ऊपर छोड़ दिया और मैं यहाँ पे फीड बॉक्स में आकर कुछ खाना भाई चुरा लिया अपने पेल्स का। फिर मैं यहाँ पे रिपेयर बेंच के पास आकर अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर लिया अच्छे से ताकि भाई मैं पोकेमोन को अच्छे से डैमेज दे पाऊं। फिर मैं निकल गया अपने पहले पोकेमोन को पकड़ने के लिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो भाई मुझे यहाँ पे डायनोसोम दिखता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा था। मैंने फटाक से इसे एरो से एक शॉट दिया और मैंने फटाक से अपना चिलेट को उसके पास भेज दिया, वो उनसे फाइट करने लग गया। भाई चिलेट बहुत ही ज्यादा अच्छा डैमेज दे रहा था, देख सकते हो भाई खतरनाक वाला डैमेज दे रहा था। लेकिन यहाँ पे डायनोसोम भी कुछ कम नहीं था भाई, वो भी खतरनाक वाला डैमेज दे रहा था। लेकिन फाइनली गाइज मैं यहाँ से सब खड़े होकर देख रहा था उन दोनों को लड़ने दे रहा था मैं। लेकिन गाइज मैंने यहाँ पे डायनोसोम को भेजा क्योंकि चिलेट बहुत ज्यादा कम डैमेज दे रहा था, उसका हेल्थ भी काफी ज्यादा डाउन हो चुका था। और भाई मेरा डायनोसोम काफी खतरनाक वाला डैमेज दे रहा था, उसका डैमेज काफी ज्यादा कम कर दिया था इन्होंने। तो भाई मैंने फटाक से उसके ऊपर पोकेबॉल फेंका और फाइनली गाइस वो डायनोसोर मेरे पोकेबॉल में कैद हो चुका था जो कि भाई काफी ज्यादा खुशी की बात थी। पहले दिन मैंने पहला पोकेमोन पकड़ लिया और मुझे यहाँ पे लग गई थी भूख, तो मैंने यहाँ पे रेड बेरीज खाया और अपने पोकेमोन्स को भी कुछ रेड बेरीज खिला दिया और फटाक से मैं आ गया अपने बेस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ एरोस बनाकर रेडी कर दिया था उन्होंने, सिर्फ 9 एरोस बाकी रह गए थे। तो मैंने और लेम्बल ने मिलकर सिर्फ 9 एरोस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर बना दिया। फाइनली एरोस बनाने के बाद मैं यहाँ पे चला गया पैंकिंग को मारने के लिए जो कि भाई काफी ज्यादा ताकतवर था। मैंने रिक्स लिया और उसे मारने के लिए चला गया फास्ट ट्रेवल करके। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे पैंकिंग है और उसके 3 बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनके एक बच्चे को मैंने एरो से डैमेज दिया जिसके बाद उसने मुझे देख लिया और भाई इतना खतरनाक वाला डैमेज दिया कि तभी भाई मैं वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन भाई उसी वक्त पैंकिंग ने मुझे जमा दिया और भाई मेरे एक पोकेमोन फॉक्स को भी मार दिया भाई। फिर मैंने अपने दूसरे पोकेमोन चिलेट को फाइट करने के लिए भेजा लेकिन भाई वहाँ पे देखता हूँ कि मैं ये बड़ा वाला पोकेमोन यहाँ पे घूम रहा था मजे से। मैं सोचा भाई बच जाऊंगा तो मैं यहाँ पे जा रहा था, फिर उसने एक बड़ा वाला हमला दिया भाई जिससे मैं सीधा मर गया भाई। उसके बाद मैं यहाँ पे एक आइस वाइंड आइलैंड में स्पॉन हुआ ताकि एक नई जगह में मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ और देख पाऊँ क्या क्या नया पोकेमोन है। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक फास्ट ट्रेवल दिखा जिसे मैंने अनलॉक कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे पास्ट में आऊंगा और यहाँ से बहुत सारे पोकेमोन को पकड़ कर अपने घर ले जाऊंगा। और फिर मैं फास्ट ट्रेवल करके पैंकिंग के पास गया क्योंकि भाई वहाँ पे मेरा सारा सामान है, उस सामान के बिना मैं अधूरा हूँ भाई, नंगा पुंगा हूँ, देख सकते हो तुम लोग। यहाँ से सारे सामान को लेने के बाद मैं आ गया अपने बेस पर। बेस पर आने के बाद मैं देखता हूँ कि टोको टोको नाम का पोकेमोन भाई हमारे बेस पर हमला बोल देता है, हमारे बेस में आकर फट जाता है, देख सकते हो। मैं इसे पकड़ने की भी कोशिश करता हूँ लेकिन भाई ये नहीं पकड़ाता है और इससे होता क्या है कि भाई ये हमारे सारे बेड्स को जला देता है, देख सकते हो, जिसमें हमारे सारे पोकेमोन सोते हैं रात को, ये सारे लोग आकर इसे जला देते हैं। लेकिन भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारा पेंगुइन मुंह से पानी दे देकर सारे आग को बुझा रहा था भाई, कुछ मिनटों में ये सारे आग को यहाँ पर बुझा भी देता है। वैसे गाइस अभी हो चुका था रात तो मैं निकल गया रात में ही पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए क्योंकि रात में बहुत ही अच्छा अच्छा पोकेमोन्स मिलता है ऐसा मुझे सुनने में आया है। कुछ देर बाद मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन देखने को मिलता है जो कि भाई बड़े आराम से सो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से एक पोकेमोन को पकड़ लूं भाई। मैंने इसके ऊपर एक्स से हमला किया भाई, ये बौखला गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये बड़े आराम से सो रहा था। तभी ये भाई पीछे हटा, मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक मारा भाई और उसके बाद मैं तुरंत ही पोकेबॉल फेंक दिया जिसके बाद भाई वो पोकेबॉल के अंदर आ गया था भाई फाइनली। और भाई यहाँ पर दूसरा वाला सो रहा था, मैंने दूसरे वाले को भाई एक्स से दिया, ये भी बौखला गया था भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके ऊपर भी मैंने पोकेबॉल फेंक कर इसको पकड़ लिया भाई। तभी मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे यहाँ पे एक एंग्री बर्ड टाइप पोकेमोन दिखा जिसका नाम था भाई हुक रेट्स, जिसे मैंने एक्स से मारा लेकिन भाई उसके पास काफी ज्यादा पावर थी
वो पीछे हटकर मेरे ऊपर हमला बोलने लग गया। तभी मैंने अपना मेल पाका पोकेमोन को स्पॉन किया और भाई वो उसे घसीट कर मार रहा था। देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक डैमेज दे रहा था। मैंने इसको अंदर लिया और फटाक से पोकेबॉल फेंक कर उसे भी पोकेबॉल के अंदर कैद कर लिया और भाई फाइनली ये 100% हो गया और ये मेरा पोकेमोन बन गया। तो मैं यहाँ से जा रहा था कि मुझे यहाँ पे एक और पोकेमोन दिखा जिसका नाम था टॉम बेट। तो भाई मैंने इसे एरो से मारा और फटाक से अपने मेल पाका को भेज दिया कि जाओ उसको मारो भाई, मुझे ये चाहिए ये, क्योंकि ये रात को काफी ज्यादा भाई शाइन कर रहा था। भाई देख रहे हो ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन भाई ये मेरे ही पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन आखिरकार मेल पाका ने ऐसा डैमेज दिया ना भाई, लिटरली यार उसकी हेल्थ आधी हो चुकी थी भाई। थोड़ी सी फाइट के बाद मैंने फाइनली पोकेबॉल फेंका, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा कैप्चर रेट था, लेकिन फिर भी ये उसके अंदर से बाहर आ चुका था। भाई बहुत सारा पोकेबॉल मैं फेंक रहा था लेकिन वो इसके अंदर आ ही नहीं रहा था, तो मैंने मेल पाका को फिर से वहां पे स्पॉन कर दिया और भाई उसने इतना खतरनाक मारा उसे कि भाई वो मर ही गया। भाई मैं इसे पकड़ना चाहता था लेकिन उसने इसे मार दिया भाई। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ चिरकुट चिरकुट टाइप के पोकेमोन्स दिखे जिसे मैंने एरो से डैमेज देके भाई उसे पकड़ लिया वहां पे। कुछ देर बाद मुझे एक और टॉम्बेट दिखा भाई जिसको पकड़ते पकड़ते दिन हो गई थी, लेकिन फाइनली दिन में ही मैंने उसे पकड़ लिया भाई। वेल गाइस अभी हो चुका था डे 2 और मैंने रात में सोया भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना बेस चला जाए और वहां पे बहुत सारे ताकतवर पोकेमोन्स को अपने साथ ले लूं और जितने भी कमजोर कम लेवल के पोकेमोन्स है उसे मैं अपने बैल बॉक्स में ही रख दूं। तो मैं फटाक से फास्ट ट्रेवल का यूज करके अपने बेस में पहुंच गया और यहां पे डायनासोर को हटाकर मैंने टॉम्बेट को रख लिया ताकि मेरा टीम और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो भाई देख सकते हो कि ये है हमारा टॉम्बेट जो कि क्या ही खतरनाक लग रहा है और भाई ये मेरे साथ काम भी कर रहा है पत्थर तोड़ने का। गाइस पत्थर तोड़ने के बाद मैं अपने डियर में बैठकर निकल गया एक और नए पोकेमोन को पकड़ने के लिए। मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि मुझे यहाँ पे दो डियर दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डियर को इनमें से पकड़ा जाए, लेकिन भाई मैं इन दोनों में से किसी एक को पकड़ता कि मेरे डियर ने उन दोनों डियर को मार दिया भाई। लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे एक चमकता हुआ फॉक्स दिखा। मैंने सोचा भाई इसको तो मैं पकड़ के ही रखूंगा, तो मैंने अपने टॉम्बेट को उसके सामने फाइट करने के लिए छोड़ दिया और भाई टॉम्बेट क्या ही खतरनाक वाला डैमेज दे रहा था भाई। फॉक्स का हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुका था, मैंने फटाक से पोकेबॉल फेंका और भाई उसे भी अपना दोस्त बना लिया यानी उसे पकड़ लिया। वेल गाइस अभी हो चुकी थी रात, तो मैंने फास्ट ट्रेवल का यूज करके अपने बेस पे चला गया क्योंकि भाई मैं रात में अब जागना नहीं चाहता था। गाइस यार ये है वो फॉक्स जो कि भाई काफी ज्यादा बड़ा है जिसे मैंने अभी पकड़ के लाया था। तो गाइस अभी मैं चला सोने के लिए, नेक्स्ट डे हम लोग बहुत सारे पोकेमोन्स को पकड़ने वाले हैं। तो गाइज आज है डे 3 और कुछ सिंडिकेट्स ने मेरे बेस पे हमला बोल दिया है, तो मैं अपने डियर में बैठकर उन सिंडिकेट्स को मारने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से वो लोग आ रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ से वो लोग नहीं आ रहे थे, वो लोग ऊपर से आ रहे थे। तो मैं फटाक से अपने डियर में बैठकर ऊपर जाने लग गया और सारे सिंडिकेट से फाइट करने लग गया। गाइज मैं बता रहा हूँ सिंडिकेट से फाइट करते करते रात हो गई भाई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब दिन से रात हो गई। गाइज लिटरली यार आज जल्दी ही रात हो चुकी थी और सारे सिंडिकेट को मैंने मार दिया था, सिर्फ यहाँ पे एक ही सिंडिकेट बचा था जिसे मैंने फायर पावर से भाई जला दिया, जला के राख कर दिया। दोस्तों ऐसे करते करते डे 4 हो चुका था और मैं डे 4 में बना रहा था चिलेट का सैडल ताकि मैं चिलेट में बैठकर एक बड़े वाले पोकेमोन्स को मार सकूं। तो गाइज मैंने निकाला अपना चिलेट और उस पे बैठकर मैं मारने चला गया किंग पाका को जो कि काफी ज्यादा बड़ा पोकेमोन है और आज हम उसे पकड़ के रहेंगे। किंग पाका के पास पहुंचकर मैंने उसे पहला सोड दिया जो कि भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो मेरे पास ऐसे आ रहा था जैसे मुझे खा जाएगा भाई। 23 लेवल का ये पोकेमोन था और भाई आज मैंने सोचा कि इसको मैं पकड़ के रखूंगा। इनके दो बच्चे भी आ रहे थे जिसे मैंने भाई फटाक से खत्म कर दिया और लास्ट में ये बचा जिससे मैंने बहुत ज्यादा फाइट की। भाई दिन से रात हो चुका था, रात से दिन हो चुका था, तब भी ये नहीं पकड़ा रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने इसे पकड़ ही लिया। भाई मेरी वाट लग गई थी इसे पकड़ने के समय, भाई सच बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा ताकतवर था, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी इसे पकड़ने के बाद। वेल गाइज आज है डे 5 और मैं अपने चिलेट को निकाल कर पहुंच गया अपने बेस में। यह है मेल पाका जो कि भाई अब मेरा हो चुका है जिंदगी भर के लिए, अब इसे कोई भी नहीं छीन सकता हमसे। भाई ये काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे लगा ही था कि आज मैं इसे पकड़ ही लूंगा और फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया। वेल गाइस मुझे अभी अपने बेस को अपग्रेड करना था, तो मुझे यहाँ पे एक कूलर बॉक्स और स्पेयर वर्क बेंच बनाना था, तो मैंने फटाक से यहाँ पे एक कूलर बॉक्स बना दिया नदी के किनारे और दूसरे साइड मैंने बना दिया स्पेयर वर्क बेंच जिसमें मेरा साथ दे रहा था पेंगुइन और लेम्बल। भाई इन दोनों ने मिलकर काफी जल्दी मेरा स्पेयर वर्क बेंच बना दिया था और उसके बाद फाइनली मैंने अपने बेस को अपग्रेड कर लिया और अपने बेस में एक और पोकेमोन को
काम करने के लिए रख दिया, जिससे मेरा काम और भी काफी ज्यादा जल्दी होगा। बेस का काम करते करते ही आज रात हो चुका था, तो भाई मैं यहाँ पे आकर सो गया। आज है डे 6 और काफी सुहाना मौसम है। इस सुहाना मौसम में हम बहुत सारे पोकेमोन्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे फिर से। और गाइज उम्मीद है कि मैं आज तो एक ना एक पोकेमोन पकड़ के रखूंगा। मैं चिलेट को लेकर जंगल में आ गया, तभी मुझे यहाँ पे दो पोकेमोन्स दिखे जिसका नाम था ब्रिस्टला। जी हाँ दोस्तों, और इसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। मैंने बहुत सारे पोकेमोन से इसकी फाइट करवाई, लेकिन भाई ये दोनों हारने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई इन दोनों को मैंने बहुत बार पोकेबॉल में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भाई हर बार ये पोकेबॉल से निकल जा रही थी। लेकिन गाइज लास्ट में आखिरकार मैंने एक को पकड़ ही लिया अपने पोकेबॉल में, और फाइनली मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। वहां से जाने के बाद भाई मुझे यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक पोकेमोन दिखा, जिसका नाम था गाइज इल्फीड्रेन, जो कि भाई 30 लेवल का था और उसका एचपी काफी ज्यादा था। लेकिन भाई मेरी मत मारी गई थी, मैंने इससे पंगा ले लिया। मैंने सोचा भाई काश मैं इसे पकड़ लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई ये उड़ने भी जानती है। गाइज मैं ऊपर गया था पहाड़ के ऊपर, लेकिन ये उड़ के मेरे पास आ गया और भाई मजबूरन मुझे नीचे उतरना पड़ा। लेकिन नीचे उतरने के समय भाई इसने मुझे सिर्फ 2 झटके दिए और भाई उसी झटके में मैं खलास हो गया। वेल गाइस अभी हो चुकी थी रात और मैं अपने बेस में आ चुका था रिस्पॉन होके, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी सो लिया जाए और सुबह मैं जाऊंगा फिर से वहां पे। और गाइस मैं उससे पंगा नहीं लेने वाला, अब की बार मैं सारे सामान को लेकर घर आ जाऊंगा। वेल गाइस आज है डे 7 और मैं निकलने वाला हूं कुछ ऐसे पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए जो कि भाई मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, और भाई नए पोकेमोन्स को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वेल गाइस मैं अपने डियर में बैठकर पोकेमोन्स को ढूंढने के लिए निकला था, तभी मुझे यहां पे सिंडिकेट दिखा। भाई सिंडिकेट को डियर ने भाई तुरंत ही चुटकियों में मार दिया। वेल गाइस उसके बाद मुझे यहां पे एक जेल दिखा, जिसके अंदर भाई एक पक्षी टाइप पोकेमोन को कैद करके सिंडिकेट ने रखा हुआ था, जिसे भाई मैंने आजाद कर दिया। यानी आजाद नहीं किया, मतलब अपना दोस्त बना लिया भाई, अपने कब्जे में ले लिया उसे। उसके बाद मैं निकल गया नए पोकेमोन्स की खोज में। थोड़े आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक गुफा दिखा, जो कि भाई बहुत ही खतरनाक गुफा दिख रहा था। इसके अंदर 13 लेवल का एक पोकेमोन था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई उसे पकड़ा जाए। तो गाइज मैं उसके अंदर चला गया, वहां पे मैंने बहुत सारे सिंडिकेट से फाइट किया। भाई मैं अपने डियर को भेज दिया, जाओ यार मारो उसको। भाई डियर ने धूस धूस के मारा, इतना खतरनाक मारा कि क्या ही बताऊं। वेल गाइज मैं वहां से आगे बढ़ने लग गया। बहुत दूर जाने के बाद मुझे वहां पे एक बड़ा सा पोकेमोन दिखा, जिसका नाम था डायर होल, जो कि भाई 10 लेवल का था। ज्यादा लेवल का था नहीं, लेकिन भाई काफी बड़ा था। गाइज देख सकते हो ये एकदम डॉग के जैसा था, वुल्फ के जैसा था, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा था। गाइज मैंने क्या किया कि अपने नाइट विंग को भेज दिया कि उसे मारे भाई, फाइट करे, लेकिन नाइट विंग फाइट ही नहीं कर रहा था। तो भाई मैंने उसे वापस लिया और फिर से उसे उसके पास भेजा, लेकिन फिर भी ये फाइट नहीं कर रहा था। भाई पागल हो गया था क्या? वेल गाइज अब की बार खतरनाक वाली फाइट हो चुकी थी हमारे नाइट विंग और डायल होल के बीच में। लेकिन गाइज हमारा नाइट विंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो उसे इतना खतरनाक डैमेज दे रहा था कि भाई वो डोगी, मतलब डोगी क्या बोल रहा हूं यार, डायर होल बौखला गया था कि भाई मैंने किससे फाइट ले ली। गाइज सच बता रहा हूँ, डायर होल का बहुत ही कम एचपी हो गया था। वेल गाइज एक पोकेबॉल में तो वो कैद नहीं हुआ, तो मैंने दूसरा पोकेबॉल फेंका, तो फाइनली गाइज वो पोकेबॉल में कैद हो चुका था, वो हमारा दोस्त बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, अब की बार मैंने एक खतरनाक वाला पोकेमोन पकड़ा था, जो कि काफी साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। और दोस्तों मैं यहाँ पे जाके यहाँ से एग्जिट कर गया इसके अंदर से, गुफा के अंदर से। वेल गाइस अभी हो चुकी थी रात, तो मैं अपने बेस पे आ गया और फटाक से अपने बेड पे जाकर सो गया, क्योंकि भाई नेक्स्ट टाइम हमें बहुत ज्यादा काम करना है अगला दिन। तो गाइस आज है डे 7 और मेरा लेवल अप हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना नाइट विंग का सैडल बनाया जाए, क्योंकि उसमें भाई उड़ने में मजा आएगा। तो आज मैं उसमें उड़ने वाला हूँ गाइस, यार उड़ उड़ के बहुत सारे पोकेमोन्स को पकड़ने वाला हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले इसे देख लो भाई, इसे ही मैंने कल रात को पकड़ा था गुफा से, जो कि क्या ही खतरनाक लग रहा है भाई। ये एनिमी को तो एक बार में उल्टा सकता है भाई, ये अगर इसका लेवल अप हुआ ना भाई, ज्यादा लेवल बढ़ गया ना, तो ये खतरनाक वाला डैमेज देगा। तो गाइस चलो हम अपने सबसे पहले नाइट विंग का सैडल बनाते हैं। तो गाइस सैडल तो मैं बना ही रहा था, तब तक लेम्बल आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। तो मैंने सोचा भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने लेम्बल पे के ऊपर ही काम छोड़ दिया कि भाई तू जा काम कर उसे बना। तो मैंने यहाँ सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक अंडों में से बच्चे निकालने वाली मशीन को बनाया। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम था एग इनक्यूबेटर। तो दोस्तों इसे मैंने क्या किया कि नदी के किनारे यहाँ पे बना दिया और इसके अंदर सॉर्चिंग एग को रख दिया, जिसके अंदर से बच्चे निकलने में 10 मिनट का
टाइम लगेगा। तो गाइज मैंने इसे यहाँ पे छोड़कर यहाँ से चला गया और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा नाइट विंग का सैडल बन गया है। तो मैंने फटाक से नाइट विंग को स्पॉन किया यहाँ पे और उसके ऊपर बैठकर मैं चला गया बड़े वाले मतलब खतरनाक वाले पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए, एक बड़े से मैप को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन गाइज कुछ ही समय में मैं ऐसे जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखा गोरिला जिसका नाम था गोरी रेट। जी हाँ दोस्तों, और उसे मैंने पकड़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन भाई वो पकड़ा ही नहीं रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार फेल होता ही जा रहा था लेकिन आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया। लेकिन गाइस उसके बाद मोसांडा नाम का पोकेमोन, यानी कि हम लोग गाइस इसे पांडा भी बोल सकते हैं, ये भाई हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया था। भाई ये इतना खतरनाक डैमेज दे रहा था कि क्या ही बताऊं गाइस, मुझे यहां से जल्द ही यहां से भागना पड़ा। वहां से जाने के बाद गाइस मुझे यहां पे बहुत सारे फायर टाइप पोकेमोन्स देखने को मिला क्योंकि गाइस मैं आ चुका था लावा वाले मैप के पास। जी हां दोस्तों, यहां पे बहुत सारा लावा है, देख सकते हो तुम लोग। यहां पे आने के बाद मैंने विक्सेन नाम के फायर टाइप पोकेमोन से फाइट स्टार्ट कर दी। भाई मुझे वो चाहिए था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था गाइज, वो 16 लेवल का था लेकिन भाई वो बहुत ही खतरनाक था। तो मैंने फटाक से अपने फायर टाइप पोकेमोन यानी कि फॉक्स को भेजा और भाई फॉक्स से उसकी फाइट करवा दी। और गाइज आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ एक पोकेबॉल में मैंने उससे पकड़ लिया। भाई वो सिर्फ मेरे एक ही पोकेबॉल में कैद हो गई। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे एक और पोकेमोन केल्प्सी इग्निस को पकड़ा। लेकिन गाइज आर्सोक्सो और गोरीरेट नाम का पोकेमोन ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया था और भाई लास्ट में जाकर गोरीरेट नाम के एक पोकेमोन ने मुझे मार दिया। भाई वेल गाइज मैं अपने सामान को दोबारा लेने के लिए वहां पे पहुंच गया और सारे सामान को ले लिया, तभी मुझे विक्सन नाम का वही पोकेमोन दिखा जिसे मैंने एक बार पकड़ लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और पकड़ा जाए। भाई इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुका था, मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंका, वो नहीं पकड़ाई और गाइज उसने मुझे फिर से मार दिया। भाई क्या बताऊं, मेरी नसीब खराब है भाई। वेल गाइज आज है डे 8 और डे 8 में मैं अपने चिल्लेट पे बैठकर सारा सामान लेने के लिए चला गया लावा के पास और सारा सामान को ले भी लिया और फास्ट ट्रेवल करके मैं चला आया अपने बेस के पास। और बेस के पास आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा अंडा में से बच्चा अब निकलने वाला है। भाई अंडा पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो मैंने फटाक से उस अंडे को इनक्यूबेटर से निकाल दिया और उसके अंदर एक ह्यूज रॉक की एग को रख दिया जिसे तैयार होने के लिए 2 घंटे का समय लगेगा। तो मैंने क्या किया कि अपने बेस के पास गया और ये नए वाले पोकेमोन को यहाँ पे ले लिया, गोरिला को, गोरीरेट को हटाकर। देख सकते हो गाइज ये नया वाला पोकेमोन क्या ही मस्त लग रहा है दिखने में। और भाई ये फायर टाइप पोकेमोन है जो कि भाई मस्त है, फायर टाइप पोकेमोन बहुत ही अच्छा होता है। वेल गाइज अभी रात हो चुका था तो मैं जाके आराम से सो गया और गाइज डे 9 में मैं पहुंच गया वही लावा वाले एरिया में और यहाँ पे मैंने आर्सोक्स नाम के पोकेमोन को भाई पकड़ लिया गाइज, जो की खतरनाक वाला डैमेज दे रहा था। लेकिन भाई मैंने एक बॉल फेंका, वो नहीं पकड़ाया लेकिन गाइज दूसरे बॉल में वो फाइनली पकड़ा गया। वेल गाइज उसके बाद मैंने मोसांडा नाम के पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश की, एक बॉल फेंका भाई वो नहीं पकड़ाया, दूसरा बॉल फेंका वो नहीं पकड़ाया, लेकिन भाई मैं तीसरा बॉल फेंकने ही वाला था तभी एक दूसरा पोकेमोन आकर भाई इस पोकेमोन को मार देता है। भाई मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि भाई इसका कम एचपी, बहुत ज्यादा कम एचपी था। मैंने सोचा भाई इसे पकड़ लूंगा क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा लेवल का था, लेकिन भाई कहते ना कि किस्मत खराब है भाई। उसके बाद मैं पहुंच गया एक रेगिस्तान वाले इलाके में जहां पे मुझे सुजाकू नाम का पोकेमोन दिखा जो कि भाई पूरा 40 लेवल का था, जिसे मारने की मेरी भाई औकात नहीं थी अभी। तो गाइज मैंने क्या किया कि फटाक से फास्ट ट्रेवल से अपने बेस के पास पहुंच गया और बेस में जाकर मैंने आर्सोक्स नाम के इस पोकेमोन को निकाला जो कि भाई काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, देख सकते हो गाइज क्या ही मस्त दिख रहा है ये। तो गाइज मैंने कुछ खतरनाक पोकेमोन्स को लेकर निकल गया मेमोरेस्ट को मारने के लिए, गाइज हाथी को मारने के लिए। मैं यहाँ पे एक दिमाग लगाकर हाथी को मार रहा था जिससे कि हाथी को मैं तो मार रहा था लेकिन भाई हाथी मेरे ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। लेकिन गाइज अफसोस कि भाई मेरी फॉक्स ने, मेरे भेड़िए ने भाई उसे मार दिया जान से। गाइज क्या बताऊं, 38 लेवल के मेमोरेस्ट को मेरे फॉक्स ने जान से मार दिया भाई। वेल गाइज उसके बाद मैं घर गया और थोड़ा मोड़ा काम करने के बाद हो चुका था रात तो मैं सो गया और अगली सुबह हम पक्का मेमोरेस्ट को पकड़ के रहेंगे भाई। वेल गाइज आज है 10वां दिन यानी कि मेरे सर्वाइवल का लास्ट दिन। तो गाइज मैं यहाँ पे एक जंगल में आया तो मुझे यहाँ पे एक 31 लेवल का मेमोरेस्ट दिखा। तो मैंने क्या किया कि गोरिला को इसके पास भेजा, भाई गोरिला ने काफी ज्यादा फाइट की तो भाई मैंने देखा कि गोरिला बहुत कम डैमेज दे रहा है तो मैंने क्या किया कि विक्सन को उसके पास भेजा और भाई विक्सन भी काफी देर तक लड़ा लेकिन गाइज यार हाथी ने उसे मार दिया, मेमोरेस्ट ने उसे मार दिया। और लास्ट में मैंने अपने फायरफॉक्स को उसके पास भेजा जो कि भाई लास्ट ऑप्शन था क्योंकि यही ज्यादा डैमेज देता है इसके
बाद इसके बाद मेरे पास कोई भी अच्छा पोकेमोन नहीं था जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला डैमेज दे रहा था। और भाई फाइनली यार मेमोरिस्ट का हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुका था, मैंने उसके ऊपर सिर्फ एक ही पोकेबॉल फेंका और फाइनली गाइज मेमोरिस्ट पोकेबॉल के अंदर आ चुका था। और गाइज मैं इसे पकड़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि भाई मैंने इसे पकड़ने के लिए पूरे 10 दिन सरवाइव किया इस वर्ल्ड में। 10 दिन सरवाइव करने के बाद मैंने 31 लेवल के मेमोरिस्ट को पकड़ा जो कि भाई कोई आसान काम नहीं था। तो गाइज कुछ ऐसा था मेरा पेल वर्ल्ड में 10 दिन सर्वाइवल सीरीज। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से सर्वाइवल वाला आएगा जो कि भाई बहुत मस्त रहेगा, मैं और भी ज्यादा खतरनाक पोकेमोन्स को पकड़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत करके धन्यवाद।